इसे खत्म करने वाला हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से ही कोई होना चाहिए। धनराज, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारने का डिसाइड कर ही लिया है ना? हा? अब मैं सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा तो बस। कहां बात करेगा? मुंबई, बेंगलुरु, सिंगापुर, दुबई? आउट। शंकर नारायण आउट। हेल खत्म। दुकान बंद। सर्वनाश सर्वनाश। टाइगर्स कम ऑन, अरेस्ट मी। शिवराम सर, वन मिनट। अगर गलती से भी ये मेरा भाई बनकर पैदा हुआ होता तो ये अंडरवर्ल्ड को शेक करके रख देता। मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे ये बताओ, हमेशा तुम मुझसे एक स्टेप आगे ही कैसे रहते हो? What is the magic? ये मैजिक नहीं, माइंड गेम है। तूने मेरी वीकनेस देखी थी, लेकिन मैं तेरी स्ट्रेंथ देख रहा था। मेरा स्ट्रेंथ सिर्फ मैं ही हूँ। कजरा है। मुझे अपने खतरनाक खेल में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अब तुम्हारे साथ मेरा संबंध ही क्या? भगवान और भक्त का संबंध है। एक बार तुम स्वामी जी को फोन करो। स्वामी जी को? स्वामी? हेलो भक्त। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल। मैंने गलती से आपको धोखा दे दिया अंकल। मुझे पूरा भरोसा था इस विभूति पे और ये विभूति निकली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। कृपा करके मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। मैं बहुत नीचे गिर गया हूँ सर। तुम लोगों के लिए जेल सरकारी गेस्ट हाउस बन गया है। अंदर बैठकर भी तुम लोग अपना धंधा चलाते हो। तुमने डीसीपी को मारा, अब हम तुझे कुत्ते की तरह मारेंगे। शिवराम सर, आप अच्छे इंसान हो, सीनियर हो, आप इन लोगों को समझा दीजिए। अरे सर, वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर। बुलेट रेडी है सर। नहीं, इसके लिए बुलेट वेस्ट है। हमारे डिपार्टमेंट के जूते ही काफी हैं। प्रोटोल अटेंशन, प्रोटोल प्रेजेंट आर, प्रोटोल राइट क्विक मार्च मार्च। अरे बाप, इतना बड़ा घर खुद के पैसे से बनाया है, लोगों का खून चूस के हैं? आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, चलते हैं सर। चलते हैं, चलते हैं। नमस्ते भाई। कौन हो तुम लोग? भाई मैं सिद्धार्थ हूँ, मार गांव से। मेरा चेला बिरजू ठाकुर तेरे ही गांव का है ना? जी भाई। कैसा है वो? एकदम मस्त है भाई। वैसे सुना है तुम्हारे गांव में उसके विरुद्ध इलेक्शन में कोई खड़ा हो रहा है। सिद्धार्थ नाम है। कौन है वो? मैं ही भाई। रुक जा। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, एक तो मेरे चेले के विरुद्ध इलेक्शन में खड़ा है और ऊपर से तू मेरे सामने खड़ा है। क्या भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने आपके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसे पता चला मैं आ रहा हूँ तो 10 बकरे काट कर पूरे गांव को खाना खिला देगा। अच्छा है, लेकिन अगर हमारे गांव में कोई मरता है तो उसकी तिथि पर बकरे काटते हैं, सोचिए जरा। आप कौन है भाई इस जिले में? आप कौन है? कौन हूँ मैं? शेर है भाई, आप शेर है। शेर हूँ, शेर। और शेर क्या खाता है भाई? बताओ क्या खाता है भाई? कुछ भी खा ले, घास नहीं खाएगा वो, हिरण खाएगा, हिरण खाएगा भाई। भाई अगर वो आपकी इतनी कद्र करता है तो उसे कहिए हिरण मारकर आपको खिलाया, मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। क्या? मैं हिरण मारकर आपको खिलाऊंगा भाई, दिखा दूंगा कि आपकी कितनी कदर करता हूँ। देख लेता हूँ। वहां रख दे, जल्दी निकल। एक काम ले, एमएलए साहब हैं। भाई। ए बिरजू ठाकुर। नमस्ते भाई। मैं कौन हूँ? एमएलए, एमएलए। कौन हूँ मैं? शेर हूँ, शेर। हाँ हाँ भाई, आप शेर हैं। और शेर क्या खाता है? दही चावल पकौड़े। वो दही चावल पकौड़े भाई? ए, शेर खाता है हिरण। ए,
हिरण भाई हिरण, अगर तू सच में मुझे अपना गुरु मानता है ना, तो हिरण के मांस का खाना खिलाकर ये साबित करके दिखा। ऐसा बोलकर अपने चेले का अपमान मत करो भाई। अब चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, कल रात को ही मैं आपको हिरण का मटन खिलाऊंगा। बहुत खूब, मेरा असली चेला है ये तूने दिखा दिया। ठीक है, कल मैं आ रहा हूँ। आइए ना भाई, आइए। बिरजू ठाकुर जी भाई, हिरण के मटन का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। धन्यवाद भाई, तू मेरा असली चेला है ये तूने दिखा दिया, इस बार भी तू ही जीतेगा। हाँ। सब आपकी मेहरबानी। हाँ। है भाई, आइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ ठीक। अच्छा बिरजू ठाकुर भाई, चलता हूँ। जी अच्छा भाई। हाँ। चलो। कल आ जाऊंगा भाई। हाँ ठीक है भाई। ए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ मिस्टर बिरजू ठाकुर, मैं सब इंस्पेक्टर अर्जुन, हम तुम्हारे घर पर रेड मारने आए हैं। ऐ, इससे पूछ के रेड मारने आया? तू जानता है ना मैं कौन हूँ? डोंट वरी मिस्टर बिरजू ठाकुर, आपके घर आईटी रेड के लिए नहीं आए हैं, आपके घर में हिरण का मांस बना यही इन्फॉर्मेशन मिली है, वही चेक करने आए हैं। अरे देखो ऐसी कोई बात नहीं है, इस घर में 3 महीनों से कोई नॉनवेज नहीं बना है। ए, इस घर की बोरियों से लेकर बर्तन वर्तन सब जगह छान मारो, ढूंढो सब जगह। ए, तलाशी लो, सबकी तलाशी लो, मोबाइल सीज करो, अपना मोबाइल दो। चलो फोन इधर लाओ। नहीं मैं अपना फोन नहीं दे सकती। लगता है तू मुझे अच्छी तरह नहीं जानता, तू मेरी ताकत नहीं जानता, तुझे नहीं पता तू किससे पंगा ले रहा है, बहुत पछताएगा तू। अरे तू अपनी ताकत अपने पास ही रख, अगर मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो मार मार कर तेरा हुलिया खराब कर दूंगा, समझा? इलेक्शन के टाइम पे दंगे करवाता है तू। ए, चुपचाप कोना पकड़ के बैठ जा। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या बताऊं मालिक, मालिक। ए, ए, कमले यहाँ क्या हो रहा है, पुलिस क्यों आई हुई है? रात को हिरण का मटन बनाकर पार्टी की थी ना, इन्हें उसकी खबर लग गई है। वो कमीना रात को खाकर गया था ना, उसे फोन लगा, जल्दी लगा। क्या हुआ? मैं तो फोन घर पे ही भूल कर आ गया। अरे काम चोर तू, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, क्या खुजर-पुजर कर रहा है, भाग। पूरा घर छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला सर। ए, अरे कुछ होगा तब मिलेगा ना, आम पेड़ से गिरेगा सोचकर सब लोग भुक्खड़ की तरह अपना मुंह उठाकर आ गए हैं। ए सुन, तू अभी बच्चा है और मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। इसकी ओवर एक्टिंग देख के मुझे लग रहा है ये खाने के पतीले को भी चाट चाट के खा गया होगा सर। इसमें से मटन की खुशबू तो आ रही है, पर इन्होंने खाया या नहीं ये कैसे पता चलेगा? Yes, fine. बिरजू ठाकुर, एक और टेस्ट करना पड़ेगा। वो क्या है? तेरा गोबर टेस्ट, चल। hey, बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है तेरा, अगर मेरे गांव के लोग भड़क गए ना तो तू अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। hey, बिरजू ठाकुर, ऑन ड्यूटी SI को धमकी दे रहा है तू, इलेक्शन का टाइम है समझ गया ना, रोड पर ले जाकर मार मार कर तेरा जुलूस निकाल दूंगा। सर, 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 एक मिनट सर, मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। मालिक इधर आइए, 1.5 किलो गोबर ही तो मांग रहा है, तो दे दीजिए ना। जरा सोचिए, अगर FIR दर्ज हो गया ना तो इलेक्शन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ दे दीजिए। ए चल, हाँ एक मिनट रुक। क्या हुआ? ये वेस्टर्न कमोड है। हाँ। अंदर पानी है, अगर गिरेगा ना तो गल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं खेत में तालाब किनारे या नदी किनारे चल, वहीं टंकी खाली करके वापस पैक कर देना। ए, तुझे तो ए, सोच ले, इलेक्शन है, FIR, समझ गया ना? नमस्ते कीजिए, नमस्ते। अरे सब मेरी तरफ देख रहे हैं, आज तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक फोटो ले लेता हूँ। बिरजू ठाकुर जी, स्माइल प्लीज, एक सेल्फी लेते हैं। ए, चल भाग यहाँ से।
यहाँ मेरी इज्जत जा रही है और तुझे सेल्फी चाहिए? मैंने क्या आपको लुंगी हटाने के लिए या टॉयल हटाने के लिए कहा? एक सेल्फी लेते हैं। बेटा यहाँ नहीं बेटा, वहाँ झाड़ियों में जहाँ सब लोग हल्का होने जाते हैं ना, वहाँ सेल्फी ले लेना। तो फिर सेल्फी नहीं, सीधा फेसबुक लाइव जाऊंगा। सुपर। क्या कर रहा है तू? इसके साथ तू भी मेरी खींच रहा है? मालिक, इस भीड़ से आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या? चल बच्चा। हाँ चलो चलो बेटा चलो। अरे और कितनी दूर चलना है? सर यहाँ कर सकते हैं क्या? हाँ यहीं रुक। क्या उधर, इसे दो। क्या वहाँ पर? अरे जाना कुछ नहीं है, ये डब्बा लीजिए। जाना देख क्या रहा है। अरे मालिक, खजाना ढूंढने की तरह यहाँ हुआ क्या देख रहे हैं? ज्यादा सोचिए मत, वहीं बैठ जाइए। अरे तेरी तो आते समय बास नहीं आया था क्या? तीन दिन बात कर रहे हैं ना। ए, उसे क्या हुआ जाकर पूछ। मालिक हुआ क्या? अरे पागल, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीच में पटर पटर मत कर। अब मुंह खोला तो तुझे यही बैठा दूंगा। अब, मैं घर में करके आया हूँ सर। क्या? अरे बाप रे, सांप सांप। अरे कहाँ लेकर आया मुझे? यहाँ आसपास सांप घूम रहे हैं। आप बीन बजाइए, सब चले जाएंगे। क्या बीन? बीन बीन ने ने ने। आपको बीन बजाना आता है क्या सर? लाठी दे इसको, बताता हूँ। सर मालिक आइए। अभी आता हूँ, रुक। लगता है हिरन निकल गया सर। बताता हूँ तुझे। दे इसके हाथ में। अब तक अपने बच्चों की पॉटी नहीं उठाई, बिस्किट उठानी पड़ रही है। इंक्वायरी के लिए बार बार मैं तुझे बुलाता रहूंगा, समझ लेना। फोन दे उसको। इसकी इंक्वायरी के चक्कर में मुझे बीमारी हो जाएगी। एसपी, अरे ये कौन है एसआई अर्जुन? हाँ, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए, मैं उस एसआई को सबक सिखा कर ही रहूंगा। ठाकुर जी क्या हुआ? ऐ, हिरण का मांस खाया है बोलकर मेरे घर में रेड मारकर मुझे पोटी करने के लिए मजबूर किया और बोला तुम्हारे पोटी को टेस्ट करना है, उसे डब्बे में भर कर ले गया। ठाकुर जी, अर्जुन नाम का एसआई हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी थाने में नहीं है। हाँ? वैसे संडास टेस्ट करने से क्या खाया है ये कैसे पता चलेगा? वो जरूर नकली पुलिस वाला होगा या कोई चोर होगा। वैसे मानना पड़ेगा, घर का कोई सामान नहीं ले जाकर आपका संडास लेकर गया है, बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा। खैर मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। मैं दूसरों के पैसों से लिए हुए कपड़े नहीं पहनता। खुले में बैठने वाले की परेशानी तू क्या जानेगा? एक बार बैठ तो पता चलेगा, मैं तुझे मजा चखाऊंगा। क्या हुआ? क्यों रे नालायक, क्या बोल रहा था तू? मालिक वो आपसे जायदाद नहीं मांग रहे, सिर्फ पाव किलो पोटी मांग रहे, दे दीजिए ना। तू कमीने, नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जान से मार दूंगा।